बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का ये लास्ट ही पेपर था, एसएसटी जनरल लाइन फीमेल इवनिंग 15 सितंबर 2024, गुज़श्ता कल। तो इस पेपर का सलूशन हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर को कहा जाता है अल्फ्रेड बिनेट वर्क डॉन। अल्फ्रेड बिनेट का मेजर वर्क जो है ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ऊपर था, मेंटल टेस्टिंग के ऊपर था। तो इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इमोशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो इमोशन क्या है? किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में जो एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसको हम इमोशन कहते हैं। द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी, बच्चों के अंदर इनसिक्योर बच्चे कब फील करते हैं? जब उनको किसी चीज़ का खौफ होता है, फियर की वजह से। फियर इज़ अ करेक्ट आंसर। 5 है, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फ्राइड साइको एनालिटिकल थियरी, साइको एनालिसिस, साइको डायनामिक थियरी गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। इसमें जो मेजर फोकस था वो हमारा थ्री टाइप ऑफ माइंड जो है वो सिगमंड फ्राइड ने कहा होता है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो सिगमंड फ्राइड का जो मेजर फोकस था इन तीन टाइप्स ऑफ माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर था। तो अनकॉन्शियस माइंड इज़ अ करेक्ट आंसर। 6 है, लर्निंग इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लर्निंग क्या होती है? दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन, ये बिहेवियरिज्म के नज़दीक लर्निंग जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स के दरमियान एक बॉन्ड होता है, एक रिलेशन होता है, एसोसिएशन होती है। तो अब जैसे देखें, एक बच्चा देखता है कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को अवार्ड दिया किसी अच्छी कारकर्दगी पे, तो वो भी उस तरह का रिस्पॉन्स फिर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है स्टिमुलस को देख के। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कॉग्निटिव थियरी ऑफ मोटिवेशन इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द ड्राइव। कॉग्निशन जो है ना वो सक्सेस और फेलियर पे बिलीव ज़्यादा करती है, कि सक्सेस और फेलियर इंसान का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, मेंटल अप्रोच होती है एक तरह की। तो अचीवमेंट सक्सेस ही होती है, तो अचीवमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ एक्सियोलॉजी? एक्चुअली एक्सियोलॉजी एथिक्स एंड एस्थेटिक है, बट यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन लॉजिक एथिक्स एंड एस्थेटिक बनता है, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। वैसे तो ये सारे जो ऊपर लिखे हैं, इट कंज्यूम मच टाइम, ये भी किसी हद तक प्रॉब्लम होता है। तो ये दोनों जो है वो हो सकते हैं, बट मोर फिट आंसर ये वाला है, इट लीव्स गैप इन द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। इट लीव गैप इन द नॉलेज ऑफ द चाइल्ड। मॉस्क हैज़ स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन ऑन द स्प्रेड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। आपको पता है हमारी मस्जिद के अंदर बच्चों को स्कूल में दाखिले से पहले नाज़रा कुरान, हिफ्ज़ कुरान या इस तरह नमाज और कलमा वगैरह, दरूद पाक, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये प्री स्कूल एजुकेशन में मॉस्क का की रोल है, ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन। क्वेश्चन 10 का प्री स्कूल एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले, जोन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जोन ऑफ एजुकेशन फेसबुक पेज, जोन ऑफ एजुकेशन बुक सीरीज़, जोन ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन सेशन, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पेडागोजी का फोरम आपको मिलेगा। हमारा इस वक्त एसएसटी का और एफपीएससी एसएसटी फीमेल का सेशन चल रहा है, 5 सेशन हमारे चल रहे हैं। इसी तरह फेडरल में गिलगित बल्तिस्तान की लेक्चर एजुकेशन की सीट्स अनाउंस हुई थी लास्ट ईयर, और अभी रिसेंटली वहाँ पे असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की सीट्स अनाउंस हुई हैं, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर स्कूल्स की, तो उनका सेशन भी हमारा कंटिन्यू है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 0332805905, आप हमारी पास्ट पेपर पे मुश्तमिल बुक ख़रीदना चाहते हैं या सब्जेक्टिव बुक लेना चाहते हैं, तब भी हमारा यही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 11 है, द पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन, इकोनॉमिक डिकेड, सोशल एंड कल्चरल डाउनफॉल, मॉरल एंड रिलीजियस करप्शन प्रोड्यूस एंड एन ओरिजिनल थिंकर इन 1703 to 1762, ही वाज शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। 12 क्वेश्चन है, टेस्ट दैट मेजर द लर्निंग आउटकम। ये अचीवमेंट टेस्ट होता है जो लर्निंग आउटकम को मेजर करता है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज़ इवेलुएशन। यहाँ पे अगर ऑप्शन में होता ना इवेलुएट
एनालाइज़, क्रिएट, अप्लाई, तो फिर यहाँ पे हम अप्लाई को, यहाँ सिंथेसिस की जगह अगर अप्लाई होता, एवेल्यूएशन की जगह एवेल्यूएट होता, एनालिसिस की जगह एनालाइज होता, एप्लीकेशन की जगह अप्लाई होता, तो ये रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन के लेवल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एवेल्यूएशन बेस्ट जवाब है। ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को कहा जाता है। 14 का बी है। 15 स्टडी लीव इज़ ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर आफ्टर द कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर। जब एक सरकारी मुलाजिम रेगुलर 5 साल सर्विस कर लेता है तो उसके बाद उसको 3 साल की स्टडी लीव दी जाती है। तो 5 ईयर के रेगुलर सर्विस के बाद जो है ये इस लीव के लिए एलिजिबल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसका करेक्ट आंसर 5 ईयर है। हिल्डा टाबा इज़ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसका करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है जिसके 7 कंपोनेंट्स हैं हिल्डा टाबा का। और ये इंडक्टिव अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम डेवलपमेंट अप्रोच है टाबा की। पैडागोजी, पैडागोजी टीचिंग मेथड को कहा जाता है। पैडागोजी इज़ कंसर्न विद मेथड्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग मेथड्स। 18 है। MAO कॉलेज वाज एलिवेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब इसमें ये 1875 में बना था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ के अंदर। फिर 1877 में ये कॉलेज बना। 1920 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बना। ऑप्शन में 20 नहीं है तो 21 इज़ अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज अंडर ये 1972 की पॉलिसी में ये नेशनलाइज हुए थे। सारे प्राइवेट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट की तहवील में ले लिए गए थे। फिर इससे अगली जो पॉलिसी आई थी 1978 की पॉलिसी, इसके अंदर डी नेशनलाइज कर दिया गया था। दोबारा प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट इदारों को बहाल कर दिया गया था। इसमें बैन था प्राइवेट इदारों पे इस पॉलिसी में। 72 से 78 के दरमियान प्राइवेट स्कूल कॉलेज ओपन नहीं हो सकते थे। प्लान एंड सिस्टमेटिक एफर्ट बाई एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज अ सेकेंड चांस ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। यहाँ पे ये बोल्ड फॉर्मल हुआ पड़ा लेकिन ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। सेकेंड चांस नॉन फॉर्मल एजुकेशन में दिया जाता है। 21 है। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ विलियम हंटर। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में बना था। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी 1882 में बनी थी। तो ये जो है सर विलियम हंटर की सरबराही में ये बना था। एजुकेशन सेक्टर रीफॉर्म्स प्रोग्राम, ये 2001 से 2005 तक एजुकेशन सेक्टर रीफॉर्म्स, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक पेपर में। सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। ये ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के का राइट ऑर्डर। अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड करेक्टराइजेशन। इसको याद करने का सिंपल फार्मूला है अरवोक, ARVOC, अरवोक से याद रख लें। CAI इज़ एन एब्रिवेशन ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू जोहन डेवी एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाई डूइंग। जोहन डेवी ने क्या कहा कि लर्निंग टू डू बाई डूइंग इज़ एजुकेशन। 27 है। डायरेक्ट्रेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, आजकल इसका नाम जो है ना वो है कायदे आज़म एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये चूँकि पुराने किसी वेबसाइट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं किसी बुक से MCQs वाली से, और ये बोधर नहीं किया गया कि अब ये है अभी सही इदारा या नहीं है। अब ये नहीं है, अब इसकी जगह कायद पंजाब काम कर रहा है। डायरेक्ट्रेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट DSD, इसका फोकस होता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। टीचर जी जो ट्रेन सॉरी रिक्रूट हो जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है इदारा। पाकिस्तान का पहला इदारा था ये, 1959 में बना था। इसका पहला नाम एजुकेशन एक्सटेंशन सेंटर था, फिर DSD था, और 2016 से इसका नाम चेंज करके कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रखा हुआ है। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कंटिन्यूस प्लानिंग। इफेक्टिव टीचिंग में कंटिन्यूस प्लानिंग रिक्वायर होती है। द मोस्ट एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी इन इस्लाम इज नॉलेज। 31 है। क्लिक मीन अ ग्रुप ऑफ पीपल। 32 है। किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऑप्शन ए है जिनोसाइड। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। 33 है। लेट अस सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे जो वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है वो सिंग को किया गया। सिंग बेसिकली वर्ब है, तो नन ऑफ दीज इसका जवाब था, बट नन भी ऑप्शन मीन नहीं था। आई थिंक सो,
के पेपर सेटर से ये मिस्टेक हुई है एडिटर से कि उसने सिंग के सॉन्ग के बजाय सिंग के अंदर अंडरलाइन किया था। ठीक है, तो सॉन्ग को अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो ये कॉमन नाइन नाउन बनेगा। अगर पेपर के मुताबिक अगर आप चलेंगे सिंग की बात करेंगे तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि सिंग इनमें से सिंग तो है ही वर्ब, तो यहाँ पे नाउन की टाइप्स बताई गई हैं ऑप्शंस के अंदर। तो अगर सॉन्ग को लेंगे तो कॉमन नाउन बनेगा, अगर आप सिंग की बात करेंगे तो इनमें से कोई भी जवाब ठीक नहीं है, लेकिन पेपर में अंडरलाइन सिंग को किया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन आई सॉ हिम ही वाज सिंगिंग, ऑप्शन सी 34 का 35। एंड अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द फॉलोइंग इज द पैसेंजर हैड टू स्टैंड इन क्यू, इसका 35 का इन है 36। सेलेक्ट द करेक्ट वॉइस, द प्रिंसिपल रिसीव द चीफ गेस्ट एट द गेट, ऑप्शन ए है इसका दुरुस्त, द चीफ गेस्ट वॉज रिसीव्ड एट गेट बाई द प्रिंसिपल। 37, चूज द करेक्ट नरेशन, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स फ्लाई काइट्स, द बॉय सजेस्टेड हिज फ्रेंड दैट दे शुड फ्लाई काइट्स, ऑप्शन सी। 38, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेजल वर्ब अ वाइट एलिफेंट, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है समथिंग यूजलेस एंड कॉस्टली। उसके बाद है 39, मीनिंग ऑफ फ्रेजाइल इज वीक, सी ऑप्शन। 40, द सिनोनम ऑफ एस्टोरिक प्राइवेट। 41, द सिनोनम ऑफ इररिप्रेसिबल अनकंट्रोलेबल, ऑप्शन सी। आउट ऑफ क्वेश्चन, ऑप्शन सी इम्पॉसिबल, चूज द करेक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का अपोजिट है क्विक्सॉटिक, इसका मतलब होता है अनप्रैक्टिकल, क्विक्सॉटिक का। 44, एंटोनिम ऑफ एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का जो एंटोनिम है अपोजिट है वो कॉन्सिक्वेंट है। इसी तरह 45 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज लीव नो स्टोन अनटर्नड टू डू एवरीथिंग दैट कैन बी डन, ऑप्शन बी 45 का। 46, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द क्लाइमेट ऑफ द रावलपिंडी डजंट सूट माई मदर, एस यू आई टी, ऑप्शन सी। द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम, द सर्वेंट इज अटेंडिंग ऑन हिम, 47 का ए। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिटोरिएट इज टू मेक वर्स, डिटोरिएट का मतलब क्या होता है, टू मेक वर्स। 49 है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द अप्रोप्रिएट ईडियम, आवर ब्रेव फोर्स शाउट वंडरफुल करेज इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कॉगल वर्क वंडर, अच्छा। उसके बाद है एम फिल प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर ओरिजिनल रिसर्च, तो ये आपका पेपर था जी एफ पी एस सी सॉरी ए जे के एस एस टी जनरल लाइन फीमेल इवनिंग का। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब फरमाए, खसूसन जिन्होंने जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से तैयारी की, अल्लाह ताला उनको खसूसी कामयाबियों से नवाजें। अल्लाह ताला आपके हामी व नासिर हों। अस्सलामु अलैकुम।